नमस्कार नमस्कार। हरिद्वार महाकुंभ संसार का सबसे बड़ा तीर्थ महापर्व तीर्थ मेला उत्सव है। शाही स्नान चल रहा है आज, सोमवती अमावस्या का शाही स्नान, जिसमें अखाड़े 13 अखाड़े आज स्नान कर रहे हैं। क्रमवार सभी अखाड़ों को समय दिया गया है, क्रमवार तरीके से अपने नियत समय पर वे स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी और ब्रह्म कुंड हर की पैड़ी पर जहां पर ये स्नान चल रहा है, इसकी तस्वीरें आप कुंभ मेला क्षेत्र में, हमारा ये स्टूडियो है जहां से आप हरिद्वार हर की पैड़ी कुंभ का सीधा साक्षात्कार कर सकते हैं। और इसके बारे में हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है, मेला क्षेत्र के स्टूडियो में परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो जी, मैं चाहूँगी कि हरिद्वार कुंभ का ये जो महापर्व है, तो इसकी शुरुआत, इस बातचीत की शुरुआत आप एक मंगल मंत्र के साथ करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर् गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओ शांति शांति। स्वामी जी, ये एक ऐसा कुंभ कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है, जिसमें देश दुनिया से अपनी स्वेच्छा से लोग जुड़ते हैं बड़ी संख्या में। कहते हैं कि ईश्वरीय निमंत्रण है जो माँ गंगा के घाट पे हरिद्वार कुंभ में लोग आए हैं, देश दुनिया से लोग आए हैं। तो इस कुंभ का जो महत्व है, हरिद्वार कुंभ का खासतौर पर जो महत्व है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये कुंभ धरती का एक ऐसा पर्व है जो मैंने कहीं और नहीं देखा। इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना प्यारा और इतना अद्भुत। मुझे याद है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में जब कुंभ किया, तो ऑलमोस्ट 250 मिलियन पीपल मींस 25 करोड़, आप सोचिए तो सही, एक ही जगह पर वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और पूरे विश्व से आए, कितने देश आए और कितने देशों के राजदूतों ने वहाँ जाकर देखा, साक्षात्कार किया और भारतीय संस्कृति को जाना, पहचाना और उनके दिलों को छुआ। भारतीय संस्कृति ने ठीक उसी परंपरा में 4 जगह कुंभ होते हैं, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में सिंहस्थ के पर्व पर, और तीसरा नासिक में, और चौथा हरिद्वार का परम पावन कुंभ। बड़ी प्यारी कथा है इसके पीछे। देखिए, हमेशा अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं और गलत शक्तियाँ भी होती हैं, आसुरी शक्तियाँ भी होती हैं, इनमें हमेशा द्वंद्व रहता है और ये सदा से चला आया है।
कुंभ की कथा के पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है। असुर और देवता वैसे तो ब्रह्मा जी की संतान है, एक ही हैं, वो दिति से वो अदिति से दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग, दोनों के गुण अलग अलग, दोनों के विचार अलग अलग। आपस में द्वंद्व रहता था क्योंकि विचार अलग थे, और कुंभ का यही संदेश है कि विचार अलग हो, मतभेद हो, लेकिन मन भेद ना हो। जब मतभेद होता है तो विष पैदा होता है, और जब मन मतभेद होता है तो विचारों का एक भेद तो होगा लेकिन उसमें विष भी पैदा होगा। मन भेद होता है उसमें भी समस्याएं खड़ी होती हैं, तो क्या करें कि मतभेद भले ही बने रहें लेकिन मन भेद ना हो? क्या किया जाए उसके लिए, किस तरह के उपाय निकालें, क्या करें कि किस तरह से ये लड़ाई खत्म हो, विषाद खत्म हो और जीवन प्रसाद में बदले? तो देवताओं ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़े तंग आ गए हम लोग, हैं तो हमारे भाई, रहते साथ साथ हैं लेकिन बहुत तंग करते हैं, इट्स एनफ, टू मच, आई थिंक वी नीड ए सोल्यूशन, वी वॉन्ट टू गेट आउट दिस प्रॉब्लम, तो आप ही उपाय बताइए। भगवान ने कहा ठीक है, उपाय तो है, इसके लिए सागर मंथन करेंगे, और सागर मंथन इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा आप अमृत को पी लेंगे, आप मजबूत बन जाएंगे, सशक्त बनेंगे, और फिर आप कोई भी हमले को झेल सकेंगे। देवताओं ने कहा ठीक, लेकिन प्रभु ने कहा इसके लिए एक उपाय करना है, और उपाय ये है कि सागर मंथन, लेकिन सागर मंथन के लिए सारी शक्तियां चाहिए, क्योंकि अमृत को निकालने के लिए शक्तियां सभी लगेंगी तभी अमृत निकलेगा। तो बोले प्रभु कौन कौन सी शक्तियां चाहिए, हम तो हमारी सारी शक्तियां लग जाएंगी। बोले नहीं, समाज में और भी शक्तियां हैं, उनको भी जुटाइए, असुरों को भी साथ लेके आइए जो आपसे लड़ते हैं। बोले जो लड़ते हैं उनको साथ लेके आए तो और मुसीबत होगी, अगर अमृत निकला और उन्होंने पी लिया तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो गए थे समस्या का समाधान करने, और ये तो समस्या बढ़ गई। उनका नहीं, आप चिंता नहीं करो, सारी शक्तियों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके सागर का मंथन करो। सागर का मंथन प्रभु की आज्ञा अनुसार किया गया, और सबसे पहले लेने चले अमृत और निकला जहर, विष। और ऐसा जीवन में भी होता है, जब जब हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं, समाज में, परिवार में, संस्थाओं में, देश में, अच्छे विचार लेकर भी जाते हैं, अच्छे संस्कार लेकर जाते हैं, तब भी कई बार ऐसा होता है जब अमृत की तलाश होती है लेकिन निकलता विष है, मिलती बुराई है, मिलती आलोचना है। चिंता ना करें, ये ऐसा होगा, लेकिन करें क्या, उसका भी सुझाव। ये सारी कथाएं जितनी भी हैं ये जीवन में रास्ते निकालती हैं, रिश्तों को मजबूत करती हैं, रास्तों को तलाशती हैं, और इसके लिए विष निकला तो विष निकलने के बाद भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु, भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु आप ही इसका निदान निकालिए। प्रभु ने निदान निकाला और उस विष को निकलने के बाद उस विष को पान किया, और इसका अर्थ इतना ही है कि महादेव, ये कथा हम आपसे आगे भी सुनेंगे, और ये जो अमृत कलश निकला और जो चार स्थानों पर ये अमृत कलश रखा गया, और फिर जहाँ जहाँ कुंभ की शुरुआत हुई और हम वो कुंभ पर्व मनाते हैं, उनमें से एक जगह हरिद्वार भी है। तो हम फिर आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, लौटते हैं।